गाजियाबाद के लोनी तहसील पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशों पर सपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी लोनी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सपा नेता उम्मीद पहलवान ने कहा कि यह सरकार गरीबों का लगातार उत्पीड़न कर रही है, इसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी पार्टी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट, डकैती, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, रोजगार नहीं दे पा रही, शिक्षा नहीं दे पा रही, आज कोविड आप देख रहे हैं कितना कोरोना चल रहा है, कोई सुविधा नहीं, कोई किट नहीं, कोई दवाई नहीं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्ट सरकार चल रही है और जो गरीबों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों के फेवर में आकर, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की तमाम तहसीलों में आज ज्ञापन दिया गया है। उसी चीज को देखते हुए आज लोनी के तमाम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हजारों की तादाद में अपने साथ कांधे से कांधा मिलाकर गरीबों की आवाज उठाकर एकत्र होकर लोनी तहसील में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.